अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ अब फोन लाइन पर मौजूद है मनोज महाराष्ट्र से। नमस्कार मनोज जी। हाँ मैडम जी, बताइए मनोज जी कौन से शेयर है। मैडम मेरे पास में टेक महिंद्रा के शेयर है, ये स्प्लिट होने के पहले लिया था मैंने मैडम। अच्छा, तो और किस भाव पे लिया है? अभी 540 रुपए पड़ता है, अभी उसका क्या करना चाहिए? कुछ नुकसान तो हो रहा है आपको, आपका नजरिया लंबी अवधि का है क्या? हाँ मैडम, डेढ़ साल से तो मैंने रखा ही है और दो साल रखना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए ये अच्छी बात है। आशीष काफी समय से होल्ड भी कर रहे हैं और भी रुक सकते हैं। 540 के प्राइस पर टेक महिंद्रा के शेयर्स लिए हुए हैं, कुछ नुकसान में है क्या? यहाँ पर एवरेज करें या फिर इनको पेशेंस रखनी पड़ेगी? हाँ, यहाँ पे बिल्कुल ही एवरेज कर सकते हैं, चूंकि इनका नज़रिया 1 से 2 साल का है, तो मुझे लगता है इनको 650 तक के लेवल इनको आराम से देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पे इसको होल्ड करें, मुझे लगता है जब ये स्टॉक 440-450 की रेंज में आए, जो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, और कई बार यहाँ से रिबाउंड भी करता है, तो उस जगह पर ये एवरेज करें और होल्ड कर सकते हैं अभी स्टॉक को। श्योर। सो आशीष की सलाह है टेक महिंद्रा 475 रुपीज, 3 रुपीज के ऊपर, बट लार्जली एक ऐसा सेक्टर है जो एक कंसर्न से गुजर रहा है बिकॉज ऑफ पतंजलि। लार्जली अगर देखा जाए तो पतंजलि के प्रोडक्ट्स को लेकर FMCG इज अ सीरियस थ्रेट। बाबा रामदेव से खास बातचीत की हमने और आइए देख लेते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, हमारे साथ बाबा रामदेव हैं। पतंजलि ने 5,000 करोड़ रुपए के कारोबार के लैंडमार्क को अचीव, सबसे पहले तो बाबा आपको बधाई कि 5,000 करोड़ रुपए के लैंडमार्क को अचीव किया है। क्या स्ट्रैटेजी है और इसको इस पूरे प्रोसेस में कितनी मेहनत करनी पड़ी और आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, 20 साल पहले हमने अभियान शुरू किया था, 4 सालों में 100% की ग्रोथ से पतंजलि आगे बढ़ रहा है। इस साल 150% की ग्रोथ है, अगले साल भी 100 से 150 के बीच में ग्रोथ होगी कम से कम। एक ही हमारा सिद्धांत है, साधन, साध्य, सिद्धांत और सेवा की सुचिता, और उसको के साथ हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हमने वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट लो प्राइस पर प्योरिटी और चैरिटी की भावना के साथ उपलब्ध कराए और आज करोड़ों लोगों ने पतंजलि पर ट्रस्ट किया, तो करोड़ों देशवासी हमारी ताकत है, नहीं तो कहाँ तो 2,500 करोड़ का विज्ञापन करती है यूनिलीवर जैसी कंपनियां यहाँ बाबा। लेकिन जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज FMCG सेक्टर में, वो आपकी स्ट्रैटेजी से काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं और परफॉर्मेंस भी दिखा रहा है। 10,000 करोड़ रुपये के आंकड़ों को छूने की बात आपने की है, वो कैसे अचीव होगा? कि अगले साल हो जाएगा, 10,000 से ज़्यादा ही होगा। मैंने कहा उससे ज़्यादा बोलूँगा तो लोगों को अकल्पनीय अविश्वसनीय लगेगा, लेकिन ये सारे काम होंगे क्योंकि हम एक बड़े ध्येय के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसमें मैंने कहा प्योरिटी है, चैरिटी है, पेट्रोटिज्म है और हम एग्रेसिवली काम करते हैं, कोई काम को ढोलमन नहीं करते हैं, जो करते हैं पूरी ताकत लगा के ताल ठोक के करते हैं। दूध से बने प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं, दूध संवर्धन के लिए आप यूनिट लगा रहे हैं, तो उसमें क्या आपकी स्ट्रैटेजी ये भी है बाबा कि पतंजलि आने वाले टाइम में पैक्ड जो दही है या दूध है उसको उस सेगमेंट पे भी आने वाला? बहुत जल्दी पतंजलि डेयरी में दिखाई देगा आपको। अच्छा, जो है मिल्क पाउडर तो हमने लॉन्च कर ही दिया है, बहुत जल्दी दही भी मिलेगा, दूध भी मिलेगा, चीज भी मिलेगी, पनीर भी मिलेगी। एक ऑनलाइन आखिरी सवाल है ऑनलाइन कारोबार को लेकर, ऑनलाइन क्योंकि अब कंपनियां जो हैं ऑनलाइन सेगमेंट में काफी मजबूती से आ रही हैं, आने वाला टाइम ई कॉमर्स का है, तो ऐसे में पतंजलि का क्या स्ट्रेटजी होगी आने वाले टाइम में? आने वाले समय में हम ई कॉमर्स को लेकर के, ऑनलाइन सेल को लेकर के और एक्सपोर्ट को लेकर के भी बहुत बड़ा काम करने वाले हैं और ये इसका होमवर्क पूरा तैयार हो गया, शुरू हो जाएगा। क्या एक्सपोर्ट में भी आप? ऑल राइट, तो आप सुन रहे थे बाबा रामदेव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत जी बिजनेस पर, सबसे पहले जहां पर बाबा रामदेव ने ये बोला कि काफी कॉन्फिडेंट हैं वो अगले वित्त वर्ष के लिए भी कि 10,000 करोड़ का वो कारोबार करके दिखाएंगे, 150% तक की इम्प्रूवमेंट ग्रोथ में देखने को मिलेगी और यही नहीं पतंजलि डेयरी प्रोडक्ट्स में भी फोरे करते हुए नजर आएगी और साथ ही ई कॉमर्स स्पेस को भी वो एक्सप्लोर जरूर करेंगे।